आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 30 साल पहले हमारे गांव में उत्तम नाम का एक आदमी रहने आया था। उसने हमारे गांव का एक खाली घर भाड़े पर लिया और उसी में रहने लगा। उसने जो घर भाड़े पर लिया था उसके आसपास कुछ भी नहीं था, अगर था तो सिर्फ खाली सपाट मैदान। उससे मेरी मुलाकात पहले दिन ही हो गई थी। जिस दिन वो हमारे गांव में रहने आए थे वो अधेड़ उम्र का एक काफ़ी शौकीन आदमी था। उसकी पत्नी 10 साल पहले ही मर चुकी थी और उनका कोई बेटा भी नहीं था। वो इस दुनिया में अकेले रहते थे, मगर उत्तम बाबू काफ़ी कम बात करते हैं। मैं इसके अलावा 2-3 बार उनके घर गया, मगर उन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की, जिसके बाद मैंने भी उनके घर जाना छोड़ दिया। मगर इतने दिनों में मैंने जो देखा वो बात मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि उन्होंने अपना घर इस तरह से सजा कर रखा था जैसे वो किसी आदमी के बस की बात ही नहीं थी। खैर, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, जिसके बाद मुझे कानों कान ये बात पता चली कि उत्तम बाबू के घर से रात के वक्त किसी औरत की आवाज़ें आती हैं। ये बात सभी लोगों के साथ ही साथ मुझे भी खटकी कि भला उत्तम बाबू तो अकेले उस घर में रहते हैं, तो रात के वक्त किसी औरत की आवाज़ कैसे आ सकती है? कहीं उत्तम बाबू हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? खैर, पूरी बात सुनने के बाद मैं अपने घर आ गया। तो उसी रात ठीक रात के 9 बजे मेरे घर पर हमारे गांव के 2-3 लड़के आए, जिसके बाद उनमें से एक ने कहा, नितेश बाबू सुन रहे हैं ना गांव में क्या हो रहा है? उसके इतना बोलते ही मैं समझ गया कि ये लोग उत्तम बाबू के बारे में बात करने आए हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ सुन तो रहा हूँ। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा, हमने तय किया है कि कल सुबह सरपंच जी को पूरी बात बताकर उत्तम बाबू को गांव से निकाल देंगे। उसकी ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। भला किसी इंसान के बारे में कानों कान कुछ भी सुनकर हम उसे गांव से नहीं निकाल सकते? ये बात मैंने उन लड़कों को भी बताई तो उन्हें भी ये बात ठीक लगी, जिसके बाद ये तय हुआ कि कल रात मैं और इनमें से एक लड़का राजू, हम दोनों उत्तम बाबू के घर के पास छिप छिपा कर जाएंगे और ये पता करेंगे कि माजरा क्या है। पूरी बात तय हो जाने के बाद सभी लड़के अपने अपने घर चले गए और मैं भी आराम से सो गया। अगली रात मैं जाने के लिए तैयार होकर बैठा ही था कि तभी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने राजू खड़ा था, जिसके बाद मैं अपने घर पर आता हूँ बोलकर राजू के साथ चलता बना। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। अमूमन रात के 10 बजे तक हमारे गांव के सभी लोग सो जाते हैं, तो रास्ते पर हमारे अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। रास्ते पर इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि चल रहे राजू के जूतों की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, जिस पर मैंने राजू से कहा, अरे तेरे जूतों की आवाज़ काफ़ी तेज आ रही है, तू बाहरी रास्ते पर रुकना। चलते चलते हम उत्तम बाबू के घर के करीब पहुँचे तो राजू रास्ते पर ही रुक गया और मैं धीरे धीरे छुप छुपा कर उनके खिड़की के पास गया तो मुझे हल्की हल्की बात करने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर वो आवाज़ किसी औरत की थी या किसी आदमी की ये मुझे पता नहीं चल पा रहा था। तो मैं पैर दबाकर चलते हुए दरवाजे के पास गया तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और तभी मुझे हल्की आ रही आवाज़ें थोड़ी जोर सुनाई पड़ी। उस घर से 2 आवाज़ें आ रही थीं, एक जानी पहचानी उत्तम बाबू की और किसी औरत की। तभी मैंने अपने मन ही मन में कहा, तो गांव वाले ठीक ही कहते हैं,
मगर ये औरत है कौन? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे साफ साफ सुनाई दिया कि उस औरत ने उत्तम बाबू से कहा, एक आदमी घर के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहा है, उसे घर के अंदर बुला लाइए। ये सुनकर मैं जितना हैरान नहीं हुआ उससे ज्यादा शर्म में पड़ गया कि मैं उत्तम बाबू को क्या जवाब दूंगा। अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी एकदम से दरवाजा खुला और उत्तम बाबू निकलकर बाहर आए, मगर उन्होंने मुझे कुछ उल्टा सीधा कहे बिना मुझसे ये कहा, आइए अंदर आइए। शर्म में मैं पहले से ही पड़ चुका था तो अब उनकी बात सुननी ही पड़ेगी, तो मैं घर के अंदर गया। मगर घर के अंदर जाते ही मैं सहम गया, क्योंकि अभी अभी जिस औरत की आवाज़ इस घर से आ रही थी वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। बस घर के अंदर उत्तम बाबू और उनके बगल में रखा एक कलश था। मगर ये कैसे हो सकता है, अभी अभी तो मैंने साफ साफ औरत की आवाज़ सुनी थी और बाहर जाने का एक ही रास्ता है जहाँ मैं खड़ा था, और ये घर उतना बड़ा भी नहीं है जहाँ वो औरत छिप सके। तो वो औरत गई तो गई कहाँ? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उत्तम बाबू ने मुझे बैठने को कहा, तो मैं उनके बगल में बैठ गया। मेरे बैठते ही उत्तम बाबू ने कहा, कोई जरूरी काम था क्या? उनके इस सवाल का अभी मैं जवाब देने जा ही रहा था कि तभी मुझे उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। तो उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और उठ खड़ा हुआ कि भला इस कमरे में तो कोई औरत नहीं है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मानो मेरे शरीर का सारा खून जमकर बर्फ के समान हो गया, क्योंकि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी कलश में से आ रही थी जो उत्तम बाबू के बगल में रखा हुआ था। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उस कलश के अंदर आ रही उस औरत की आवाज ने उत्तम बाबू से कहा, क्या जरूरी काम? ये आपकी जासूसी करने आए हैं कि आप किस औरत से बात करते हैं? उस कलश से निकल रहे इस आवाज को सुनकर मैं और जोर जोर से कांपने लगा और कांपती हुई आवाज में उत्तम बाबू से कहा, ये क्या हो रहा है? इस कलश से आवाज कैसे आ रही है? इस पर उत्तम बाबू का जवाब सुनकर मैं क्या वहां खड़ा कोई भी आदमी गिरकर बेहोश हो जाता। आगे उत्तम बाबू ने बताया, ये मेरी पत्नी है जो 10 साल पहले मर चुकी है और उसकी आत्मा हर रात कलश के अंदर आकर मुझसे बातें करती है। उत्तम बाबू की बात खत्म होते ही कलश के अंदर से वापस से उनकी पत्नी की आत्मा ने मुझसे कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसे रात के वक्त किसी दूसरे के घर पर ताका झाकी करते हुए? जाइए अपने घर जाइए। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर आ गया। इस घटना के बाद मैंने उत्तम बाबू के घर की तरफ जाना छोड़ दिया। मैं इतना डर गया था जिस कारण मेरी काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, और अब कोई भी उत्तम बाबू के ऊपर सवाल नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।